हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से दिल तक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी आ चुकी है और डीआरडीओ की वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में यूपी पीसीएल टीजी2 की वैकेंसी भारी भरकम पोस्ट के साथ आपके सामने दोस्तों आने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या में अपनी तैयारी को शामिल कर दीजिए। आप दिन में कहीं भी रहे, कुछ भी करते रहे, कितना भी रहे, लेकिन अपने दिमाग को एक ही सिग्नल दे के रखिए कि मुझे प्रतिदिन अपने करियर को संवारने के लिए दोस्तों 4 घंटे मेहनत करना है। तो बस मेहनत करना है। जिस दिन दोस्तों ये सोच आपके अंदर आ गई ना दोस्तों, आपको एग्जाम में फतेह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, एग्जाम होने से पहले पहले आप अपना कमर कस लीजिए ताकि एग्जाम में फतेह हासिल कर पाए। क्योंकि दोस्तों, जो राणा के शतरंज का घोड़ा है, यह 2.5 कदम नहीं सीधा छलांग मारता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि एग्जाम में सीधा छलांग मार के आप सिलेक्शन हासिल कर सकें। इसलिए दोस्तों, हम आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सिंगल फेज मोटर के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो दोस्तों यूपी पीसीएल हो या यूपी आरबीएनएल हो, सब दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाने के लिए दोस्तों इसकी संपूर्णता संभावना है। वो प्रश्न को हम आज सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना नोटबुक जो है अपने हाथ में रखिए। हर पॉइंट को दोस्तों पंच लाइन के रूप में सीधे ठप्पा लगाते चलना है। दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है आपके सामने एक एक करके दोस्तों आएंगे और सभी प्रश्नों को मैं पूरा विस्तार पूर्वक हल कराने वाला हूं। और दोस्तों, आपसे दिल से भाव पूर्वक दोस्तों एक ही निवेदन है कि इस क्लास को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो दोस्तों इस क्लास का लाभ ले सके। दोस्तों, आपको बस एक ही काम करना है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों, बस इतना सा आपको काम करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपको ना सब्सक्राइब करके इस क्लास को देखना चाहिए। बहुत कुछ प्रश्न है दोस्तों, पूरा तसल्ली पूर्वक हम लोग सॉल्व करेंगे। घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टाइम भी अपना है और सवाल भी अपना है। दोस्तों, जब टाइम और सवाल दोनों अपने होते हैं ना, तो दोस्तों क्लास लेने का जो मजा है वो दोस्तों अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दोस्तों साथ में हिट करके रखिए ताकि हर क्लास को आप देख सकें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि छत वाले पंखे P = 1400 mm। दोस्तों, पहले से ही हम इस क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम करते चलते हैं। पी क्या बताता है दोस्तों? पी बताता है स्वीप को। किसको बताता है ये? स्वीप को। स्वीप क्या होता है? ये होता है दोस्तों घुमाव। ध्यान रखना, ये क्या चीज होती है? घुमाव। अगर घुमाव 1400 mm है तो उसके लिए मोटर किस रेटिंग की होगी? दोस्तों यूपी आरबीएनएल में ये पूछा जा चुका प्रश्न है। इसकी दोस्तों देखिए, अभी हम पोस्टमार्टम करते हैं। यानी कि सीलिंग फैन में अगर स्वीप की लंबाई कितना है? 1400 mm, है ना? 1400 mm है तो उसके लिए मोटर किस रेटिंग की होगी? दोस्तों पहले आप स्वीप को समझिए। यह है हमारा एक, यह है सीलिंग फैन। अब ध्यान देना दोस्तों, सीलिंग फैन में 3 पंखुड़ियां होती हैं। यह है पहली पंखुड़ी और यह हमारी दूसरी पंखुड़ी, यहां पे है तीसरी पंखुड़ी। अब ध्यान से देखते रहना दोस्तों, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यह पंखुड़ी है। स्वीप किसको बताती है? तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, यह एक जो पंखुड़ी है इसकी लंबाई कितनी है? मान के चलिए इसकी लंबाई है 700 mm। कितना है? 700 mm। लेकिन अब खुद सोचिए कि जब ये सीलिंग फैन चलेगी तो कितना एरिया को कवर कर रही है? ये अपने आसपास के 700 mm एरिया तक को कवर कर रही है। अगर ये फैन घूमते हुए यहां पे आती है, यहां पे आती है दोस्तों, अगर ये घूमते हुए, तो जितना एरिया इधर कवर कर रही है उतनी ही सेम एरिया इधर भी कवर करेगी। यानी कि इधर 700 mm है तो इधर भी 700 mm के ही एरिया को कवर करेगी। टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों? 1400 mm। अब दोस्तों
ये होती है इसका स्वीप, ठीक है, यानी कि जब ये घूमेगी तो 1400 mm एरिया को ये कवर कर लेगी, ये होता है स्वीप। तो अगर स्वीप 1400 mm है तो दोस्तों 120 वाट से लेकर 180 वाट, कितना 120 वाट से लेकर के 180 वाट तक की मोटर इसमें लगाई जाएगी। अब ध्यान देना दोस्तों, लेकिन जब आप जाएंगे मार्केट में तो दोस्तों mm अगर आप दुकानदार को बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक, इसलिए आपको इंच में बोलना है, किस में, इंच में। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो 1400 mm है कितना है, ये जो हमारी 1400 mm की स्वीप है, इस स्वीप को अगर इंच में पूछा जाए तो कितना होगा, तो आप लिखना ये 56 इंच, कितना, ये 56 इंच की स्वीप वाली हमारी ये पंखा होगी, सीलिंग फैन होगी। अब ध्यान देना दोस्तों, जो मार्केट में उपस्थित है ये अलग अलग इंच के रूप में उपस्थित है, देखना, पहला है दोस्तों 2448, कितना 2448, यानी कि जो 24 इंच की जो सीलिंग फैन होगी उसका 600 mm का स्वीप होगा, कितनी होगी 600 mm का, और जो 48 mm का है दोस्तों उसका 1200 mm साइज होगा, कितना 1200 mm इसके स्वीप की साइज होगी, क्लियर। और इसके साथ देखना एक आती है 36 इंच की, इसमें दोस्तों 900 mm इसके स्वीप की साइज होती है, और इसी के साथ में एक आती है 56 इंच की, इसका साइज होता है 1400 mm। तो स्वीप आपको समझ में आ गया, क्या स्वीप आपको बिल्कुल दोस्तों बारीकी से समझ में आ गया। तो देखिए जो 56 इंच वाला हमारा है वो कितना है 1400 mm स्वीप की उसकी लंबाई है, और दोस्तों उसमें जो मोटर होगी वो 120 से लेकर 180 वाट, कितना 120 से लेकर 180 वाट तक की उसमें मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि रेफ्रिजरेटर की ट्यूब में आमतौर में किस प्रकार की तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना, इसे रेफ्रिजरेटर को आप बोलते हैं फ्रिज। आपके घरों में दोस्तों जो फ्रिज लगा होगा वो क्या है, रेफ्रिजरेटर है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों कि जो रेफ्रिजरेटर की ट्यूब होती है इसमें किस प्रकार के तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये डीआरडीओ में पूछा जा चुका प्रश्न है, उसमें दोस्तों ऑप्शन था फ्लोरीन गैस, और दोस्तों मैंने भी फ्लोरीन गैस का ही ऑप्शन आपके सामने ले आया। अब ध्यान से सुनना कि जो फ्रिज अभी वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें दोस्तों R438 फ्रियोन, कितना R438 फ्रियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले दोस्तों फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन 134 नंबर का गैस प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब R438 फ्रियोन गैस प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं इसको ध्यान रखने के लिए। देखिए ये जो हमारी फ्रिज है, फ्रिज से आती है फ्रियोन, फ्रियोन से आती है फ्रिज, बस आपको ध्यान आ गया ना, अब कभी नहीं भूलेगा। अब इसका नंबर याद रख लीजिए 438, R438, इसी नंबर का फ्रियोन गैस दोस्तों उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद होती है दोस्तों R22, कितना R22 फ्रियोन, R22 नंबर का जो फ्रियोन गैस है यह भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में सबसे अधिक यही प्रयोग किया जा रहा है। इसके पीछे का वजह जानिए दोस्तों, यह जो गैस है यह ग्रीन हाउस प्रभाव, यह गैस है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, और यह अक्रिय गैस है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाती है। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस, ये किसी भी प्रकार की किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, और दोस्तों ये अप्रभावशील, और इसी के साथ में ये अज्वलनशील, ये दोस्तों ये सारे गुण होने चाहिए जिसको हम रेफ्रिजरेटर में डालेंगे। देखिए आपने दोस्तों कभी महसूस किया होगा कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो वहां से दोस्तों आप दुकान से मांगते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक दीजिए, दुकान वाला दोस्तों फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल के देता है, और आप फटाफट दोस्तों कहते हैं कि इसको पैक बनाया जाए और फटाफट मार लिया जाए। ऐसा क्यों कहते हैं, कि ये जो फ्रियोन गैस है दोस्तों ये बहुत जल्दी अपना असर समाप्त कर देता है। अगर आपने उसको टाइम से दोस्तों पैक नहीं बनाया तो फिर वो फ्रियोन गैस अपना असर समाप्त कर देगी और कोल्ड ड्रिंक अपनी असली औकात में आ जाएगी। इसलिए
इसलिए दोस्तों आपको कहा जाता है कि जैसे ही आप फ्रिज से निकालो तुरंत कोल्ड ड्रिंक को दोस्तों मार जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्रियोन गैस है ये दोस्तों अप्रभावशील है और ग्रीन हाउस गैस है और अक्रिय गैस है। इसका मतलब आपको समझाता हूं कि ये जो हमारी फ्रियोन गैस है ये अज्वलनशील है। अगर इसके आसपास में कहीं पे दोस्तों आग लगी है तो ये गैस गैस कभी जलेगी नहीं। दूसरी चीज है कि अप्रभावशील, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि आपके बॉडी में टच हो गया, जैसे कि आप पीते हैं तो उस पे भी तो उसका कुछ ना कुछ असर रहता होगा, तो ये कभी प्रभावित करता है कुछ नहीं करता, तो ये अप्रभावशील भी है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझना दोस्तों, ये जो हमारी वातावरण है ना इसको प्रभावित दोस्तों हर तरफ से किया जा रहा है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, ऐसे ऐसे न जाने कितने प्रदूषण है जो दोस्तों वायुमंडल को हमारी पूरी तरह से नष्ट करती चली जा रही है। तो इसी प्रकार से ये जो ग्रीन हाउस गैस छोड़ती है हमारी फ्रियोन गैस, ग्रीन हाउस गैस का मतलब है दोस्तों कि जो हमारी वायुमंडल में एक लेयर बनी है, ये कौन सी लेयर है दोस्तों, ये ओजोन परत की लेयर है। ये क्या है, ओजोन परत की लेयर है। इस परत को ये किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर इसके अलावा दूसरा कोई अगर गैस आप यूज करते हैं तो दोस्तों ये क्या करता है, ये इसको छिद्र कर देता है। ये इस प्रकार से दोस्तों पूरी तरह से ये प्रभावित कर देता है, छिद्र कर देता है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव इसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव निकलती है फ्रियोन गैस से। इसीलिए दोस्तों रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर को रखते हैं। अब सुनना मेरी बात को कि जो फ्रियोन गैस है दोस्तों ये कहां भरी जाती है, तो लिखना ये दोस्तों एक कंप्रेसर होता है। क्या होती है, एक कंप्रेसर, छोटी सी दोस्तों सिलेंडर होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी फ्रिज होती है, फ्रिज के पीछे साइड गर्म हवा निकलती है और आगे साइड दोस्तों पूरा कूल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ये जो हमारी कंप्रेसर होती है ये पीछे तरफ ही लगी होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं आउटडोर, जिसको क्या बोलते हैं आउटडोर। वहीं से दोस्तों वहीं पास में कंप्रेसर लगी होती है, उसी कंप्रेसर में फ्रियोन गैस को भरा जाता है। और एक मोटर लगी होती है पास में जो कि फ्रिज के अंदर जो हीट है उस हीट को वो बाहर निकाल के फेंकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्रियोन गैस का पूरा रोल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे फ्रियोन गैस का कोई नामोनिशान नहीं था, ठीक है। तो वो होगा फ्लोरीन गैस। और दोस्तों फ्लोरीन गैस 134 नंबर वाला फ्लोरीन गैस ही यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंगल फेज मोटर के एमएफ में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करते चलिए और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्लास भी लेते चलना है। शेयर करना किसी भी विद्यार्थी को नहीं भूलना है दोस्तों, ये आपसे निवेदन है मेरा, ये दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, ये इतना सा आप काम जरूर करते जाएं। देखिए सिंगल फेज की जो मोटर है इसमें एमएमएफ में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं दोस्तों, ए टू जेड आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते रहिए। ये मोटर का कौन सा हिस्सा है, ये मोटर का दोस्तों स्टेटर बॉडी है। कौन सी बॉडी है, ये स्टेटर बॉडी है, और ये वाली हिस्सा है इसका रोटर। क्या है, ये रोटर। जब इसको आप फेस और न्यूट्रल देके सप्लाई देते हैं तो इसका ये क्या है दोस्तों, एयर गैप है, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में देख रहे हैं आप गैप बना हुआ है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, तो नोट कीजिएगा, इसको हम कहते हैं एयर गैप। ये क्या है, एयर गैप। जब सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों जैसे ही सप्लाई देते हैं चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, ये इसके दोस्तों ये क्या करता है, यहां से घूमना स्टार्ट कर देता है। इस एयर गैप में घूमना जैसे ही स्टार्ट करता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिखना, पहला अग्र कंपोनेंट्स, अग्र अवयव, और दूसरा होता है पश्च अवयव। जैसे ही मोटर को आप सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो एयर गैप में क्या होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र घूमने लगेगा, जिसके कारण से एमएमएफ उत्पन्न होगा। एमएमएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखना दोस्तों, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। ये किसके रूप, किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक, है ना,
मैग्नेटिक, यानी कि ये चुंबक के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, और मोटिव का मतलब होता है गति, यानी कि ये जो बल है ये चुंबकीय रूप में गति कर रहा है इस एयर फ्लक्स में, किसमें, सॉरी इस एयर गैप में। अब देखना जो एमएमएफ उत्पन्न हुआ है, इसी एमएमएफ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अग्र एक पश्च, जिसको हम फॉरवर्ड कंपोनेंट्स और बैकवर्ड कंपोनेंट्स कहते हैं। इसकी खास विशेषता सुनना दोस्तों, यहां पे मान लीजिए एमएमएफ उत्पन्न हुआ, ये क्या है एमएमएफ यहां पे उत्पन्न हो गया, ये जो हमारी एमएमएफ है ना, इसमें दो कंपोनेंट्स है, फॉरवर्ड और रिवर्स। एक कंपोनेंट्स इसके अपोजिट दिशा में घूमेगा, दूसरा कंपोनेंट्स इसके अपोजिट दिशा में, यानी कि जो हमारी अग्र और पश्च अवयव है ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। किस दिशा में, ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। और दोस्तों खास बात ये है कि ये सिंक्रोनस स्पीड पे, किस पे, सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते हैं, है ना। इस चीज को भी आप ध्यान देते रहिए कि सिंक्रोनस स्पीड में एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। अगर ये 1500 आरपीएम की स्पीड से घूम रही है तो ये भी 1500 आरपीएम की स्पीड से घूमेगी। तो ऐसा होगा क्या, अब दोस्तों रोटर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस दिशा में घूमना है या फिर मुझे इस दिशा में घूमना है, ठीक है ना। आपको दोस्तों एक सटीक एग्जांपल देता हूं कि आप बीच में खड़े हो जाइए और दो लोगों से बोलिए कि एक एक हाथ को पकड़ के खींचे और दोनों लोग एक ही फोर्स के साथ खींचे, तो आप दोस्तों खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, क्योंकि आप इधर जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो आपके सामने साइड वाला जो खींच रहा है आपको, ये दोस्तों आपको उसी स्पीड से खींच रहा है जिस स्पीड से ये खींच रहा है। अगर आप इधर जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये वाला आपको उसी स्पीड से खींच रहा है जिस स्पीड से ये खींच रही है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इसी प्रकार से रोटर दोस्तों यहां पर रुकी हुई है, देखिए यहां पर रोटर रुकी है। अब इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपोनेंट्स एक दूसरे के उल्टा दिशा में सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं, तो ये रोटर क्या करेगा, वहीं पे दोस्तों बबलिंग करने लगेगा, जिसको कहते हैं वाइब्रेशन या कंपन करना, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा मुद्दा क्या है कि एमएमएफ जो है इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, तो अग्र अवयव और पश्च अवयव, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों पूरा इसका पूरा पोल खोल के आपके सामने रख दिया, क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों सिंगल फेज मोटर की विशेष होती है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कितने किलोवाट तक की लोड को सहन कर सकता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इसरो में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसरो में पूछा जा चुका है। और रेजिस्टेंस स्टार्ट, अब देखिए जो सिंगल फेज की मोटर होती है दोस्तों, इसको जुगाड़ के द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, क्योंकि इसकी औकात तो है नहीं कि सेल्फ स्टार्ट हो जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम जुगाड़ करते हैं। पहला जुगाड़ होता है कि प्रतिरोध लगाकर, दूसरा जुगाड़ होता है दोस्तों स्प्लिट रिंग लगाकर, और तीसरी जुगाड़ होती है कि कैपेसिटर लगाकर, क्लियर है। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है, ये कितने किलोवाट तक की लोड को सहन कर सकता है, दोस्तों इसकी जो इसकी औकात है ये बहुत ही कम है, 1 किलोवाट। किलो का मतलब, के का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 वाट, केवल 1000 वाट को ही दोस्तों ये घुमा सकती है। आप सोचिए, ये है मोटर का रोटर, क्या है ये मोटर का रोटर, इसके बीच में ये क्या निकला हुआ है, ये है शाफ्ट। अब दोस्तों इस शाफ्ट में क्या करना है, आपको एक गोरा मुंडा बैठाना है, यहाँ पे आप एक गोरा सा मुंडा बैठा दीजिए, इस प्रकार से जीभ निकाल के खड़ा है, और ये है दोस्तों इसके हाथ, ये है इसके पांव, ठीक है। ये दोस्तों इसका वजन कितना है, 100 केजी। अब मान के चलिए ये इसका वजन कितना है, 100 केजी, ठीक है ना। अगर 100 केजी है तो ये इसको रोटर, ये रोटर क्या करता है, इसको घुमा लेता है। अगर इसको उतार करते दोस्तों हम इसमें 150 केजी का कोई एक लौंडा बैठा दे, तो ये पूरी तरह से दोस्तों रोटर वहीं पे वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी, ये घूम नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो क्षमता है ना दोस्तों वो 1000 वाट तक की इसकी क्षमता है। अगर इससे अधिक हैवी लोड कनेक्ट करेंगे इस शाफ्ट पे तो ये नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान देना दोस्तों, इसकी जो वाट रेटिंग क्षमता है, इसी को ध्यान में देते हुए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, नोट कीजिएगा, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है,
कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है दोस्तों, इस मोटर को बनाया गया है। क्योंकि अपन के पास दोस्तों लोड बहुत अलग अलग प्रकार के हैवी लोड भी है, मीडियम लोड भी है और कम लोड भी है। जब हमें हैवी लोड चलाना होगा तो हम ये तो हैवी लोड दे नहीं सकती रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, तो हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से फिर उस लोड को हम चलाएंगे। इसलिए कैपेसिटर लोड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को डिजाइन किया गया है। और इसकी दोस्तों इसकी जो औकात है वो केवल और केवल 1 किलोवाट तक की लोड को घुमाने की ही औकात है। क्लियर, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा कि सिंगल फेज मोटर में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो लाइफ में भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, अब देखिए मोटर में कौन कौन से फॉल्ट हैं। दोस्तों देखिए पहला है उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा कैपेसिटर फॉल्ट। अब देखिए कैपेसिटर फॉल्ट क्या करता है, अगर कैपेसिटर दोस्तों खराब हो गई ना तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ये ले बैठेगी, यानी कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। नोट कीजिएगा कि जो हमारी मोटर होगी वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना, जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी अगर कैपेसिटर खराब हो गया। दूसरा फॉल्ट दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग को दोस्तों ये डिस्कनेक्ट कर देगी, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। दूसरी पॉइंट है कि लघु परिपथन, लघु परिपथन होने से क्या होगा दोस्तों, ये है एक वाइंडिंग मोटर में क्या किया गया है, ये एक वाइंडिंग किया गया है, ये वाइंडिंग दोस्तों आपस में अगर ये वाइंडिंग अगर दोस्तों दूसरे वाइंडिंग से शॉर्ट हो जाती है, इस प्रकार से ये दूसरे वाइंडिंग से शॉर्ट हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी ना तो मोटर तो गई काम से। दोस्तों आप ध्यान रखना कि हमेशा कहा जाता है कि मोटर जल गई, अरे भैया मोटर नहीं जलती है, मोटर तो लोहे की बॉडी से बनी होती है, तो भैया मोटर कहां से जलेगी, जलती हमेशा क्वाइल है, जलती क्या है, जलती हमेशा क्वाइल है जिसको आप वाइंडिंग कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, वाइंडिंग क्वाइल, या फिर दोस्तों इसको टर्न जो भी आप नाम दे सके वो कहते हैं, लेकिन मोटर कभी भी नहीं जलती है। ठीक है, तो लघु परिपथन फॉल्ट से क्या होगा, मोटर जल हमारी की क्वाइल जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मोटर जल जाएगी, यही सिग्नल दिमाग में बैठा हुआ है। रिसाव फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अब सुनना मेरी बात को, यह है एक मोटर, यह क्या है, एक मोटर। ठीक है, ये मोटर का फाउंडेशन है, इस मोटर के अंदर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे क्वाइलिंग किया गया है, ये क्वाइलिंग मिस्टेक से बॉडी में टच हो जाती है, तो बॉडी में टच होते ही क्या होगा, इस बॉडी से पूरा करंट दोस्तों सर्कुलेट होने लगेगा। अगर कोई भी इंसान इसको टच करेगा दोस्तों तो उसके तुरंत नानी याद आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रीन वायर लेते हैं और इसको ग्राउंड इस प्रकार से अर्थ कर देते हैं। ठीक है ना, तो निम्न रेजिस्टेंस होने के कारण ये जो लीकेज करंट है ये कहां आ जाएगी, ग्राउंड में जाके ये जीरो हो जाएगी। तो रिसाव फॉल्ट भी होता है मोटर में, लघु परिपथन फॉल्ट भी होता है, कैपेसिटर फॉल्ट भी होता है। तीसरा है दोस्तों कि खुला परिपथ फॉल्ट, यानी कि ये एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को यहां से फेज और न्यूट्रल देते हैं, अगर बताइए इस वाइंडिंग को मैं ब्रेक कर दूं यहां से तो क्या करंट यहां से दोस्तों पास हो पाएगी, यहां कोई किसी भी प्रकार का करंट पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई तब तक किसी भी प्रकार का करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अगर खुला परिपथ है तो करंट का प्रवाह नहीं होगा, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि ये सारे के सारे फॉल्ट मोटर के अंदर होते हैं। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास और लाइक भी साथ साथ करते रहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए कि किसी विद्युत कार को प्लगिंग क्या बताती है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है दोस्तों, प्लगिंग आपको क्या बताती है, एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि प्लगिंग क्या बताती है एक किसी विद्युत कार को। आप भी दोस्तों एक विद्युत कार ही हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, जिस दिन से आपने कॉलेज में कदम रखा दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, तो आप उसी दिन से बन गए, बस आपको जरूरत है तो बस एक जॉब की जरूरत है। तो देखिए विद्युत कार को प्लगिंग क्या बताती है, ब्रेकिंग को, यांत्रिक संतुलन को, या किसको दोस्तों, ये ब्रेकिंग को बताती है। अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना दोस्तों, ब्रेकिंग क्या होता है, जो हमारी थ्री फेज की मोटरें होती हैं, थ्री फेज की जो इंडक्शन मोटरें होती है, इन मोटरों का जो प्रयोग होता है दोस्तों एक्सलरेटर,
एक्सेलरेटर में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। एक्सेलरेटर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये स्वचालित सीढ़ियों को बोलते हैं। किसको? स्वचालित सीढ़ियों को। इसी में दोस्तों प्रयोग किया जाता है जो हमारी थ्री फेज की मोटरें होती हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या होगा कि मान लीजिए एक स्वचालित सीढ़ी है, सबसे अधिक स्वचालित सीढ़ी दोस्तों मेट्रो स्टेशन में किया जाता है। कहां? सबसे ज्यादा मेट्रो स्टेशन में स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर थ्री फेज प्रकार की मोटर लगी होती है। अब मान के चलिए कि एक लेडीज दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से किसी शुभ कार्य के लिए जा रही है स्वचालित सीढ़ियों में चढ़ते हुए। अब क्या हुआ कि मिस्टेक से दोस्तों, बाय द वे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर मिस्टेक से हो गया कि उसकी साड़ी दोस्तों, साड़ी का जो पल्लू हो वो फंस गई, ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों? अगर कुछ नहीं किया जाएगा, मोटर को ब्रेक नहीं किया जाएगा, तो वो क्या होगा दोस्तों? मानव हानि बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है, जिसको कहते हैं प्लगिंग, और प्लगिंग के द्वारा मोटर को ब्रेक किया जाता है। अब सुनना मेरी बात को, ब्रेक कैसे करते हैं? ये हमारी थ्री फेज की मोटर, क्लियर, ये थ्री फेज की मोटर RYB आपने सप्लाई दे दिया, इसमें घूमता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स किस दिशा में घूम रहा है? तो देखिएगा ये दोस्तों, ये इस तरह से, ये क्लॉकवाइज दिशा में, किस दिशा में है ये? क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र घूमना स्टार्ट हो गया। ये क्या चीज है? तो आप लिखना, ये है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों घूमना स्टार्ट हो गया। जिस दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, रोटर दोस्तों उसी दिशा में घूमती है। यानी कि जो हमारी रोटर की दिशा होगी वो कैसी होगी? वो दोस्तों क्लॉकवाइज होगी। कैसी? वो क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि मोटर हमेशा दोस्तों इसी दिशा में घूमता है। आप देखना कभी, मोटर हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, मोटर भी उसी दिशा में घूम रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, रोटर घूम रही है, स्वचालित सीढ़ी चल रही है, अचानक से पल्लू फंसा, मोटर को हमें ब्रेक लगाना है। क्या करना होगा? रोटर को नहीं रोकना है, हमें रोकना किसको है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने के लिए क्या करना है? यह है आर, यह है वाई फेस, यह है बी फेस। आप किसी भी दो फेज को इंटरचेंज कर दीजिए, किसी भी दो फेज को इंटरचेंज, यानी कि यहां पे बी फेज रख दीजिए, यहां पे वाई फेज। आपको हाथ से नहीं करना है भैया, सब कुछ वहां ऑटोमेटिक सिस्टम है, बटन दबाइए खटाक से चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हुआ, अब क्या होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा को तुरंत चेंज करेगा, अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके उल्टा दिशा में। पहले इस दिशा में घूम रही थी, अब ये इस दिशा में घूमना स्टार्ट करेगी। तो मोटर भी इसी, मोटर का रोटर भी इसी दिशा में घूमने के लिए इसी का पीछा करेगा। तो मोटर क्या करेगा, रोटर मान लीजिए कि दोस्तों 1000 RPM से घूम रहा है, तो उसको उल्टा दिशा में घूमने के लिए पहले उसको 0 RPM तक जाना होगा। क्या करना होगा? 0 RPM तक जाना होगा, फिर वो उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे ही रोटर 0 RPM पे होती है, मोटर के दोस्तों तुरंत स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मोटर को तुरंत स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मोटर का रोस्तों खटाक से वहीं पे रुक जाती है, और यहां से स्वचालित सीढ़ी तुरंत रुक जाती है, और दोस्तों आराम से इस प्रकार से ब्रेकिंग किया जाता है और मानव हानि की सुरक्षा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है इतना डिटेल से आपको कोई नहीं समझाया होगा, और दोस्तों ये रही एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा थ्योरी दोस्तों आपको दे दे रहा हूं, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो प्लगिंग क्या है दोस्तों? एक ब्रेकिंग का सिस्टम है। और दोस्तों जब आप ऑफलाइन में आएंगे ना, तब मैं आपको पूरा दोस्तों विधिवत बताऊंगा कि ब्रेकिंग कैसे होता है, प्लगिंग कैसे होती है, और ब्रेकिंग के कितने सारे मेथड है, वो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। बस आप बने रहना इस क्लास में। अब देखना कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे इंजन में प्रयुक्त यूनिवर्सल मोटर की रेटिंग हॉर्स कितने हॉर्स पावर की क्षमता के लिए बनाई जाती है। दोस्तों अपन रेलवे में सफर बहुत करते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत कम रखते हैं। क्या मतलब है, कोई सा भी इंजन हो इससे क्या मतलब है ना, क्योंकि आदमी अपने आप में ही इतना बिजी रहता है। तो सुनना दोस्तों, सवालों पे चलते हैं कि जो रेलवे इंजन होती है इसमें यूनिवर्सल मोटर, सबसे पहली पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रखना कि आजकल डीसी सीरीज मोटर को दोस्तों सबसे अधिक वरीयता दी जाती है। किसको? डीसी सीरीज मोटर को। पूछे क्यों, तो लिखना इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है दोस्तों ये बहुत हैवी स्टार्टिंग टॉर्क होती है इसलिए। लेकिन यूनिवर्सल मोटर को भी दोस्तों इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना वो 40,000 RPM है, जो कि दोस्तों सीरीज मोटर का भी नहीं है, जो कि
डीसी सीरीज मोटर का भी नहीं है 40,000 आरपीएम। इसलिए यूनिवर्सल मोटर की जब आप यूज करेंगे रेलवे के इंजन में, तो उस मोटर की एचपी रेटिंग कितनी होगी, हार्स पावर क्या होती है एचपी रेटिंग, वो दोस्तों 2200 एचपी रेटिंग होगी। कितना? 2200 एचपी रेटिंग, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऑप्शन और बन सकते हैं 2.2 kHP। दोस्तों एग्जाम में ना एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज दोस्तों मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो 2.2 लिखा जाए या 2200 एचपी लिखा जाए, दोस्तों बात एक बराबर है, ठीक है। चाहे कान को दोस्तों इस हाथ से पकड़िए या कान को इस हाथ से पकड़िए, पकड़ तो आप कान को ही रहे हैं, ठीक है। तो 2200 एचपी होती है। अब देखना दोस्तों, जो हमारी रेलवे इंजन होती है, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गई है, तो उसमें पावर सप्लाई कितना होता है, रेलवे में पावर सप्लाई कितने किलोवोल्ट तक की पावर सप्लाई का यूज करते हैं, तो लिखना इसमें 25 किलोवोल्ट, यानी कि 25,000, कितना दोस्तों 25,000 वोल्ट की पावर सप्लाई को यूज किया जाता है, और मोटर 2200 एचपी तक की इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है ना। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर का, कि फ्रैक्शनल हार्स पावर की मोटरें किस सप्लाई में चलाई जा सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने नोटबुक के कोने में लिखना कि जो फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर होती है ना, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी दोस्तों औकात और क्षमता 1 किलोवाट से अधिक लोड को चलाने की नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ किस में होता है, ऐसा सिंगल फेज मोटर में ही संभव है, क्योंकि संपूर्णतः जो 3 फेज की मोटर है दोस्तों, उन सभी में जो क्षमता है वो 1 किलोवाट से तो अधिक ही है। तो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर की जो पावर होती है वो 1 किलोवाट तक ही होती है, उसी को कहते हैं फ्रैक्शनल किलोवाट। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको कौन कौन से सप्लाई से चलाया जा सकता है, तो भैया आपके पास ना जो इंडिया में 2 प्रकार की सप्लाई है, दोनों सप्लाई से भी आप इसको चला सकते हैं, एसी दे दो या डीसी दे दो, दोस्तों क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रैक्शनल हार्स पावर की जो मोटर है वो पूरी तरह से दोस्तों काम करेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल कलीय मोटर किस सिद्धांत पर घूर्णन करती है। ये ना हुई दोस्तों जबरदस्त वाली क्वेश्चन। अब देखना, एकल कली माने कि सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं, ये कौन कौन से थ्योरी पे काम करती हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिखेगा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, और दूसरा होता है दोस्तों क्रॉस फील्ड थ्योरी। ये दोनों थ्योरी हैं जो दोस्तों सिंगल फेज मोटर को घुमाती हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो हमारी द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत है, ये दोस्तों डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है, और क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत है वो क्रॉस फील्ड थ्योरी है। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं कि दोस्तों इंग्लिश में भी नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, नीमी लैंग्वेज दोस्तों आपको कभी कभी इंग्लिश में फंसा देता है, इसलिए दोस्तों किसी भी तरह से आपको एग्जाम में फंसना नहीं है, ठीक है। तो द्विघूर्णन और क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत, ये दोनों थ्योरी को दोस्तों मानते हुए हमारी सिंगल फेज मोटर स्टार्ट होती है। अब सुनना मेरी बात को, कि जो द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत है, ये भी दोस्तों फेरासिस थ्योरी पे आधारित है। किस पे? फेरासिस थ्योरी। ये फेरासिस थ्योरी पे ये द्विघूर्णन क्षेत्र थ्योरी आधारित है, जो कि मोटर को घूर्णन कराती है। अब सुनना, हम इसमें द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत हमें क्या कहता है, ये कहता है कि एक मोटर है, इसको जब आप सप्लाई देंगे, मोटर है एक, इसको जब आप सप्लाई देंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये घूर्णन करने लगेगा। सिर्फ इतना ही दोस्तों बताता है द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत, लेकिन ये नहीं डिफाइन करता कि इसमें टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, टॉर्क का नेचर कैसा होगा, टॉर्क कैसा होगा, ठीक है ना। ये किसको बताती है, तो नोट करना, ये केवल और केवल दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र को ही बताती है। किसको? ये केवल चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ये घूर्णन को नहीं बताती। घूर्णन बोले तो बलाघूर्ण,
ये बला घूर्ण को दोस्तों कतई नहीं बताती है, ये केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, उसका डायरेक्शन बताएगी, कैसे उत्पन्न हुआ वो बताएगी, लेकिन ये नहीं बताएगी कि बला घूर्ण क्या है, ठीक है। और जो हमारी क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत है ये बताती है कि इस मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है ना उसका नेचर कैसा है, मतलब कि दोस्तों बला घूर्ण के बारे में ये सब कुछ बताएगी क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों थ्योरी को मानते हुए हमारी एकल कली मोटर दोस्तों घूर्णन करती है, इतनी सी पॉइंट आप ध्यान दे लीजिए। ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बोले गए हर एक पॉइंट को जो स्टूडेंट नोट कर रहा होगा नोटबुक में दोस्तों नोट्स बना करके, वो देखना मेरे इस बात की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे और बोलेंगे अरे सर तो बताया था यार हमने इसको पढ़ा नहीं, हम इसको इग्नोर कर गए। दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा कि इस प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करना है, फायदा मुझे नहीं दोस्तों फायदा आपको होगा अगर आप मेरी पूरी बात को गौर से सुनते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। देखिए प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को शॉर्ट क्यों किया जाता है, जम्फर तार से, किससे, जम्फर तार, नॉट जम्फर तार ओनली जम्फर तार, नॉट जम्फर तार ओनली जम्फर तार, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान देना दोस्तों कभी कभी जम्फर लिखा होता है, क्या जम्फर, नॉट जम्फर ओनली जम्फर, क्या ओनली जम्फर, ध्यान देना। मैं एक फोटो बना के दिखाई देता हूं आपको, यहां पे देखिए दोस्तों ये है कार्बन ब्रश, ये क्या है, ये है कार्बन ब्रश, इसका ये है कार्बन ब्रश, इस कार्बन ब्रश को एक जम्फर तार लेते हैं और इस प्रकार से इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ये कौन सी तार है दोस्तों, तो ये यही तार है, जम्फर तार ही है ये। अगर पूछे ऐसा किस लिए किया जाता है तो आप लिखना ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए, भैया कौन से परिपथ को, तो ये रोटर परिपथ को पूरा करती है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा दोस्तों जो धारा है ना जिसको अपन करंट कहते हैं ये दोस्तों इसका प्रवाह नहीं हो सकता, और जब तक करंट का प्रवाह नहीं होगा दोस्तों आर रोटर को घुमाते रहिए क्या फर्क पड़ता है ना, MMF, EMF उत्पन्न होगा नहीं और धारा का प्रवाह होगा नहीं, इसलिए दोस्तों इसको शॉर्ट करना अति आवश्यक है। यह जम्फर तार के द्वारा शॉर्ट किया जाता है, नॉट फ्यूज तार, अर्थ तार, रनिंग क्वाइल, स्टार्टिंग क्वाइल, कुछ नहीं, ओनली ऑन जम्फर तार, नॉट जम्फर तार, नॉट जम्फर तार, ओनली जम्फर तार आपको करेक्ट आंसर करना है, ना कि जम्फर तार। अगर दोस्तों ऑप्शन में ही जम्फर लिखा हो तब तो दोस्तों कोई चारा ही नहीं है आपके पास, जम्फर को ही क्लिक करना, लेकिन अगर जम्फर और जम्फर है दोस्तों तो आपको बिल्कुल सही लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है, इसलिए दोस्तों जम्फर नहीं ओनली जम्फर तार, ये मेरा दोस्तों कर्तव्य है आपको सही और सटीक जानकारी देना। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 क्वेश्चनों को यानी कि आज हमने सेंचुरी कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों आप खुद देखिए कि अगर आप मेरा डेली क्लास देखते होंगे तो आप सोच के देखिए कि हमने 100 प्रश्नों को हल किया, आपने कितना सीखा इन 100 प्रश्नों में से, दोस्तों ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं, और दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि क्लास को दोस्तों अधिक से अधिक दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, आप शेयर जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों एक लाइक तो जरूर करना चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में हम 3-फेज मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों उस मोटर को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हर एक पॉइंट को दोस्तों माध्यम तो होगा हमारा प्रश्न, क्या माध्यम तो होगा दोस्तों प्रश्न, लेकिन टारगेट होगा हमारा थ्योरी। दोस्तों पूरे थ्योरी को मैं आपके सामने दोस्तों रख दूंगा मोटर के सवालों के रूप में, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप इस क्लास को ना मिस मत करना, ये जो 7 बजे वाली क्लास है दोस्तों आप इसको जरूर से जरूर देखना, और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, कल सुबह फिर से इंतजार करिए दोस्तों, मैं दोस्तों आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।